हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि तुम लोग सब अच्छे ही होगे, सब कुछ खाओगे और इंजॉय भी कर रहे होगे इस नए चैप्टर का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है क्योंकि ये हमारे नेचुरल डेली कामों में, डेली फिनामिना में, हमारे घर पे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी काम होती रहती है और काफी ज्यादा जो है उत्सुकता होती है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने की, करेंट कैसे फ्लो करता है, क्या होता है। इसीलिए ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि आप सब पढ़ भी रहे हैं क्योंकि आपके सवाल अक्सर आते रहते हैं। और अच्छा है, आप पढ़ते रहिए मन लगाकर। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, शुरू जब हुआ तो शुरू से ही इलेक्ट्रिसिटी में आपके दिमाग में एक बात आ रही हुई, करंट पढ़ना है, करंट पढ़ना है। लेकिन अभी तक करंट आया नहीं था, करंट की डेफिनेशन नहीं आई थी, करंट आज पढ़ना है। इस करंट को पढ़ने के लिए आपके 10th क्लास का जो लेक्चर है 1.5, 5वें लेक्चर में आके करंट की डेफिनेशन मिल रही है। करंट को समझने के लिए 4 लेक्चर लग गए आपके, सोचिए। इसीलिए ये बहुत लेक्चर वाला आपका चैप्टर है और बहुत अच्छे से, जितना अच्छा आपको लेक्चर समझ में आया होगा आपको उतना ही अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएंगी, आप न्यूमेरिकल भी उतना बढ़िया लगा पाओगे। इसलिए कह रहे हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको लेक्चर सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सुना करो। ठीक, मेरे से अब जहां तक रही बात आज की टॉपिक की, उससे पहले मैं कुछ बातें और बता दूं। कुछ बच्चों ने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि सर, आप जो थर्ड चैप्टर पढ़ा रहे थे गर्मियों की छुट्टी से पहले, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे कुछ छोड़ दिया है आपने, और हम लोग लास्ट का कुछ चीजें शायद छोड़ा होगा, मुझे भी याद है नहीं ठीक से, हो सकता है कुछ छूटा हो एक आधो टॉपिक। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो इस समय पैंडेमिक चल रहा है हमारे यहाँ, तो उसको देखते हुए सीबीएसई ने आपके कुछ सिलेबस में कमी भी की है, और उस सिलेबस की कमी में आपका जो 10th क्लास का जो फिजिक्स का जो चैप्टर है, जिसे आप कह रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, आप एक तरह समझिए उसे हटा दिया गया है। वो बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला नहीं है, इंटरनल भले आपका टेस्ट हो स्कूल में और उसमें आपका वो चैप्टर आएगा, बट बोर्ड एग्जाम में वो चैप्टर आने वाला आपका नहीं है। इसलिए जब मैंने इस बार गर्मियों की छुट्टी के बाद जब शुरू किया और नोटिस आ चुकी थी तो शुरू किया, तो हमने आपको जो शुरुआत की वो इलेक्ट्रिसिटी से की। एक दो टॉपिक अगर बचा भी हो तो कोई मायने नहीं रखता आप, लेकिन फिर भी जो बच्चों ने हमसे बात की उनके बारे में बता दूं कि आप, मैं उनसे ये कहा कि आप चैप्टर पूरा लिख लीजिए, क्योंकि हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी थी, आपको नोट्स भेजी थी, आप पूरा नोट्स लिख डालिए, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट रखिए लिख के, और उसको थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट ये ध्यान रहे कि अब वो आपके इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, इसलिए थोड़ा आप रिलैक्स हो जाए। और जो लोग मुझसे कह रहे थे बार बार कि आप उसे आखिर क्यों नहीं पढ़ाए, आखिर तक क्यों नहीं पढ़ाए, तो उसका जवाब यही है कि अब वो आपके चैप्टर में नहीं है। ठीक है, और मौका मिला तो जो लास्ट में छूटा होगा कभी फिर हम उसे पढ़ा भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल जो बोर्ड में आने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे और आपके बीच आपको हमें शेयर करनी थी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत सारी बातें हैं, इसमें 4 लेक्चर गुजर गया भाई साहब। तो ये जो फिगर होगा अब आपके सामने थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। देखिए, मैं इसमें आयन नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं आप सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप तो समझ ही गए होंगे क्योंकि सारी चीजें आप समझ रहे हैं, आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। और बैटरी का ये कौन सा बड़ा डंडा कैसा होता है, पॉजिटिव, और छोटा डंडा निगेटिव होता है। करेंट हमेशा किधर से रहती है, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर, याद है, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन खींचता है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करेंट बहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, अच्छा, कोई चार्ज बहता क्यों, याद है आपको मैंने एक टॉपिक बताया थी, चार्ज बहता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज बहेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज बहेगा, यानी पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिससे आप कहते हो कि बैटरी 10 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की हो। मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं बोलूँ कि यह 10 वोल्ट का है, वैसे तो मेरी लेक्चर इधर से उधर चला जाएगा, मुझे प्राना है करंट रिलेटेड थी तो मेरी आदत जानते हो, थोड़ा सा मैं इधर उधर हुआ तो इधर निकल जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सुनो, बहुत टेक्निकल बातें हैं, एक बार और बताऊंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल बता दो 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब कि ये जो है पॉजिटिव वाला इससे 10 ज्यादा है। भाई सर थोड़ा सा टेक्निकल मैं इसे छोड़ के इधर पकड़ लिया हूं, थोड़ा सा ध्यान देना लेकिन सुनो, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब कि ये जो आपका पॉजिटिव प्लेट है ये निगेटिव वाले से 10 ज्यादा है, निगेटिव वाले से 10 ज्यादा। अब पहले कुछ मेरी कहानी सुनो, एक आध कहानी फिर हम आपको तुरंत डायरेक्ट लेते जाएंगे। मैं कहूं कि अगर निगेटिव प्लेट वाला 60 है तो पॉजिटिव वाला 70, कोई दिक्कत, क्योंकि आपने बोला सर बैटरी 10 वोल्ट की, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का, यानी पॉजिटिव वाला इससे 10 ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगर बोले 50 है तो कितना है, वो 60 है,
मैं बोलूँ ये 100 है तो वो कितना है, 110 है। तो अक्कल लगाई हमने, हमने एक थ्योरी बना ली, हमने एक सोच ही डेवलप कर लिया। साइंटिस्टों ने कहा एक काम करो, डिफरेंस 10 है यानी इससे ज्यादा वो 10 है, तो निगेटिव वाले को जीरो मान लो। निगेटिव वाले को क्या मान लो, जीरो। भाई साहब इसकी पोटेंशियल कितना मान लो, जीरो। तो अब बताओ उसका कितना होगा, क्योंकि वो इससे 10 जा रहा है तो कितना होगा, 10। यानी पॉजिटिव प्लेट कितने पे, 10 पोटेंशियल, और निगेटिव वाला जीरो। तो हमने ये रट लिया, हमने एक नियम बना लिया फिजिक्स पढ़ने का कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। भाई साहब नियम बन गया हमारा, वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, उसको समझाते समझाते मैं आपने क्या कर लिया, एक नियम बना लिया। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, थोड़ा सा बैटरी पे आ ही गए हो तुम लोग, तो लो भाई साहब मैं आपसे बोलूं कि 30 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की, तो मैं इसको क्या मान लूं, जीरो, और इसको क्या मान लूं, 30। हो तो क्या अंतर, तो यही लेके चलेंगे जिंदगी भर आगे। मैं एक भले अपवाद के तौर पे बात बोलूं कि अगर कोई लड़का कहे कि मैं इसको 60 लूंगा, ले ले भाई नेगेटिव को, तू 60 तेरी मर्जी, तो तू 60 इसे लेगा तो इसे क्या लेना पड़ेगा, बोल 90। भाई साहब तुझे अंतर कितना रखना है, 30 का अंतर कितना रखना है, 30 का। इसलिए अगर तू इसे 60 लेगा तो उसे क्या ले ले, 90। लेकिन ये सब गधापंती है, ये सब क्या है, गधापंती है। तो एक काम कर, बस नेगेटिव प्लेट को क्या मान ले, जीरो, और दूसरे वाले को जितना बैटरी बोल ले, कुछ बात समझ में आ गई। तो ये बैटरी का थोड़ा सा एक रूल था जो मैं तुझे समझा दिया, और इसके बाद मैं समझा दूं तुम्हें, इसे क्यों बताया मैंने तुम्हें, ये चार्जेस के फ्लो होने के लिए बताया मैं तुम्हें इतनी, कि एक तो चीज तुम समझ रहे हो कि ये चार्ज बह रहा है इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, पॉजिटिव प्लेट खींच रहा है निगेटिव को, तो ये समझ रहे हो तो कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज और समझो कि अगर मैं कहूं कि ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 और ये क्या, जीरो, और नेगेटिव चार्ज किधर भागते हैं, याद है मैंने लिखवाया था भाई साहब पिछले ही लेक्चर में, खूब बढ़िया से याद दिखा दिखा के लिखा था आपको, क्या कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लो से हाई पोटेंशियल, कौन सा, नेगेटिव, और पॉजिटिव कैसे बहेगा भाई साहब, पॉजिटिव कैसे बोलो, हाई से लो। अच्छा हम लोग जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास के सिलेबस में, क्या जो हम कंडक्टर लेते हैं वो सॉलिड लेते हैं, क्या उसमें न्यूक्लियस नहीं बह सकते, क्या एटम नहीं बह सकता, क्या उसमें पॉजिटिव नहीं बह सकता, तो पॉजिटिव का तो बात अभी छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, इसलिए काम खत्म करो हमें, क्योंकि जो भी हमें करंट मिलता है किसकी वजह से मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से मिलता है। वो ये भी याद रहे कि भी एक अच्छी बात है, आपको मैं बता दूं कि क्या कंडक्टर के अंदर, क्या वायर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उन सबकी वजह से करंट मिल रही है, ना ना सबकी वजह से नहीं, अंदर वालों की वजह से थोड़े मिल रही है, अंदर वाले जो है उनके वजह से थोड़े नहीं करंट मिली, जो बाहर थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो छोड़कर भाग गए, जो छोड़कर भाग गए, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा गया, उनकी वजह से करंट मिलती है, सबकी वजह से नहीं मिलती। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आप सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर लो पोटेंशियल, नेगेटिव कितने पे, लो पोटेंशियल और पॉजिटिव, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है भाग के आता है आपके इधर की ओर। ठीक है, लेक्चर जरूर लंबा हो जाएगा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या चीज आज आपको बता तो दूं करंट क्या होता है। भाई साहब अभी तक जितना मैंने आपको बताया कुछ भी मेजर करने वाला नहीं बताया, ये आप इधर सुनिए, करंट आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी, देखो भाई करंट बहना अलग है, करंट बह रहा है ठीक है, मैंने कह दिया सॉरी, ये आपको करंट किधर बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट बह रही है, ये करंट ऐसे बह रही है ठीक है, तो करंट बह रही है, छुओगे मारेगा भी, बाइस मार दे करंट, करंट है मजाक नहीं करने का ठीक है ना, तो करंट मारेगा भी ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग फिजिक्स वाले हैं और फिजिक्स की एक खासियत होती है कि जो भी जनरली जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी होती है इसे क्या कहते हैं भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं तो किस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी तो होती है, क्या होती है, विच कैन बी मेजरेबल अकॉर्डिंग टू ए फिक्स लॉ। तो भाई कोई नियम भी होगा करंट को मेजर करने का, ऐसे हवा थोड़ी करंट बह रही, कितनी बह रही भाई साहब बताओ, तो उसके लिए हमने नियम बनाया। अब क्या नियम है वो देखो यहाँ पे, क्या देखो, वो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं हम, ये कहते हैं कि देखिए सर करंट पढ़ा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिसिटी तो बस ये है कि चार्ज बाहर तो अब करंट आ गया, ये इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट यानी अमाउंट बताइए भाई साहब, तो वो क्या है कि हम एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, क्या मानते हैं, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और हम कहते हैं कि इस एरिया को एक सेकेंड में जितने चार्ज पास कर जाए, जितने चार्ज पास कर जाए, जितने चार्ज पास कर जाए, चार्ज का नोटेशन क्या होता है, क्यू, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम
करंट कहते हैं. क्या कहते हैं? करंट कहते हैं. आई करंट कंडीशन क्या होता है? आई फिर से देख, यहां देखो आई जो इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्यू बाई टी. क्या लिखते हैं? क्यू बाई टी. कि इससे एक सेकंड में जितने पास कर जाए, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. द रेट ऑफ चार्ज इज फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जितने चार्ज निकल जाए. अच्छा मैं आपको एक सवाल दे दूं, मैं आपसे कहूं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. कितने निकल रहे हैं? 10. थोड़ा ध्यान देना, मैं ध्यान दे रहा हूं. इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन. कितने निकल रहे हैं भाई साहब? 10. तो चार्ज कितना? 10e. कितना? 10e. 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो चार्ज 10 नहीं होगा भाई साहब. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो चार्ज 10e कहां से आएगा? भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉनों पर 10e चार्ज हुआ, ठीक है. और ई की वैल्यू मालूम है, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं उसे. तो 10 इलेक्ट्रॉन पास कर, इसका मतलब 10 चार्ज नहीं, 10 इंटू ई चार्ज पास कर रहा है, ठीक है. तो ये चार्ज पास कर रहा है कितने देर में? हमने माना कि आपका पास कर रहा है ले लो 5 सेकंड में. कितने सेकंड में? 5 सेकंड में. तो करंट की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? करंट की वैल्यू बोलो आई इज इक्वल टू क्यू. कितना पास किया? 10 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. और क्या हो जाएगा यहां बोलिए? टाइम 5 सेकंड में पास कर रहे हैं ना, तो 1 सेकंड में कितना होगा? ये 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 16 × 32, यानी ये करंट की वैल्यू होगी. अब करंट की यूनिट भाई साहब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट तो होती ही है, तो एक यूनिट तो हमें यही दिख रही है सर, क्या? कूलाम पर सेकंड. ये भी गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम लोग सम्मान में रखते हैं नाम, तो उसी में हम जो रखते हैं वो रखे हैं एम्पियर. क्या रखे हैं? एम्पियर. करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. एम्पियर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने काम किया था सम्मान के लिए, उनके मरने के बाद हम लोगों ने रख दिया, ठीक है. तो ये करंट की वैल्यू है. कुछ कुछ बातें समझ में आ गई, तो सुनो जरा मेरी बात ध्यान से. इसी तरह देखो अभी जो मैंने लिखा, क्या लिखा? 10e. तो इसीलिए तुम्हें किताबों में कभी कभी तुम्हें जो करंट की जो डेफिनेशन मिले, फार्मूला मिलेगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो कभी कभी ऐसे मिलेगा. एक्चुअली मैं क्यू क्या होगा? चार्ज. तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 10 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, ऐसे ही ना होगा? 10.5, 11.5, 12.5, 13 का तो होगा नहीं. तो वो कहते हैं कि कई बार Q को, जैसा कि आपने शुरू में दिखा भी होगा कि Q ऐसे भी तो लिखा जा सकता, Ne. Q मतलब चार्ज. अगर 10 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे तो 10 इंटू ई, अभी जैसे किया था. अगर 5 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे तो 5 इंटू ई, अभी आप कर सकते हैं. और T क्या है? टाइम है. तो ये आपका कुछ किताबों में ऐसे और आगे, या किसी आप दोनों भी दिया रहता है, कुछ का दोनों ठीक है. क्यू को आप क्या लिख सकते हो? Ne बाई टी. अब आपसे ये कहा जाए कि मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये है एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे अगर आपके 10 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन पास कर जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं भाई साहब? कितने इलेक्ट्रॉन? 10. तो कितना होगा करंट? कैलकुलेट करो, तुम अपना पॉज कर दो वीडियो, कैलकुलेट करो और फिर यहां से मैं ऐसे मिला लो. कितना हो गया? एन कितना है? 10. ई की जगह 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और टी की जगह 10. तो कट गया भाई साहब. कितना आया करंट की वैल्यू? 1.6 × 10⁻¹⁹ यूनिट के बगैर फिजिक्स नहीं होती. बोलो भाई साहब, एम्पियर. क्या चीज? एम्पियर. क्या सब ठीक है? समझ में आई मेरी बात? तो आज आप करंट पढ़े हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या? करंट, ठीक है. और आज के लिए मैं आज इतना ही रहने दे रहा हूं, ठीक है. नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ा दू, या रुक जाओ मैं पढ़ा ही देता हूं, 5 मिनट और पढ़ा दू तुम्हें क्या दिया इसके बाद मैंने. प्रॉपर्टी ऑफ करंट है जो कि काफी आसान है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यही पढ़ा दू, क्योंकि बहुत सारी तो तुम जान चुके हो लेक्चर सुन के. पहला सुनो क्या कह रहा है. डायरेक्शन ऑफ करंट किधर लिया जा सकता है, किधर लिया जाता है? तो मैं लिखा उठा नहीं रहा हूं भाई, तुम्हारी किताब से पढ़ दे रहा हूं बड़े आराम से, नोट्स तुम्हारे सामने वहीं से मिला लो एकदम हुबहू मैंने भी रख के वहीं से बता दे रहा हूं. भाई साहब करंट का डायरेक्शन किधर लिया जाता है? पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है, जिधर पॉजिटिव प्लेट चार्ज दौड़ेगा. तो पॉजिटिव तो दौड़ता नहीं कंडक्टर के अंदर, हमारे पास जो सॉलिड की बात करते हैं, तो क्या दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव. तो निगेटिव के अपोजिट कहो चाहे पॉजिटिव चार्ज की ओर कहो. दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन. अच्छा हाँ, वो दूसरी उसी को लिखा है कि जब निगेटिव बहेगा तो क्या किया जाएगा? अपोजिट लिया जाएगा. तीसरा, हाँ तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा फिगर वगैरह बना है
मैं चाह रहा हूं कि मैं भी तीसरा फिगर बना के ही समझा दूं आपको क्या है। जरा देखो तीसरा, तीसरा है कि मान लीजिए मैंने एक वायर लिया है सर, थोड़ा सा ऐसे छोटा बड़ा हो गया, ऐसे आ गया, और एक ही बैटरी से वो जुड़ा हुआ है, ऐसे किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से ऐसे जुड़ा हुआ है। और अगर यहां आई करंट है, यहां बैटरी से पॉजिटिव से निकलेगी ना और यहां एंटर करेगी निगेटिव में, तो आई करंट है। तो क्या वायर के पतला मोटा होने से कहीं पर क्या करंट की वैल्यू बदल जाएगी, सवाल ये है। इसलिए मैंने वो फिगर वगैरह बना के समझाया है कि मैंने मान लो ये आई वन है, यहाँ आई टू है, यहाँ आई थ्री है, क्या हर जगह करंट की वैल्यू अलग अलग होगी? तो नहीं, करंट की वैल्यू हर जगह अलग अलग नहीं होगी। अगर एक ही बैटरी से कनेक्टेड होकर इस तरह सारी सिचुएशन है, तो जो करंट की वैल्यू यहाँ है वही करंट की वैल्यू यहाँ है, वही करंट की वैल्यू यहाँ है, यानी बीच में थोड़ा सा मोटा पतला होने से, शेप एंड साइज चेंज होने से करंट की वैल्यू बदलती नहीं है। अब आगे क्या है आपका, अगला कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैंने पहले ही बता दिया था, आज रिपीट भी किया है। और ठीक उसी तरह आपका नेगेटिव चार्ज किधर रहता है, लोअर पोटेंशियल से हायर, तभी तो ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव प्लेट से आपको किधर बहना चाह रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आगे क्या है, इन द बैटरी टर्मिनल इज ऑलवेज टेकन टू हायर पोटेंशियल एंड इन द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा क्या माना जाता है, हायर पोटेंशियल, और निगेटिव टर्मिनल को लोअर। दो तो अभी समझाया मैंने आपको कि अगर मैं कहूं कि 50 वोल्ट की बैटरी है तो पॉजिटिव वाले को क्या मान लो, 50 वोल्ट, और निगेटिव वाले को क्या मान लो, जीरो। कोई नलायक है, कोई क्या है, नलायक है, वो कह रहा है कि मैं इसको मानूंगा 50, उस नलायक के लिए पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 100। एक्चुअली जो बैटरी पे लिखा होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, बार बार मैं कह रहा हूं ध्यान देना, वो इन दोनों प्लेटों की डिफरेंस पोटेंशियल का अंतर लिखा होता है। इसलिए आप हमेशा निगेटिव वाले को जीरो मान लो और उस वाले को 50 मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका क्या है, बैटरी प्रोवाइड, बैटरी चार्ज देती है, कई बार सवाल हो चुका है, नहीं ना? तो ये तो अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई आप कंफ्यूजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में उसमें चार्ज ऑप्शन होता है, बच्चे मार देते हैं, तो चार्ज नहीं मिलता। तो बैटरी से क्या मिलता है, एनर्जी। एनर्जी वाली बात थोड़ी खींच लो फिर दोबारा कर लो, तो बैटरी के पास अपने फॉर्म में किस तरह एनर्जी होती है, केमिकल, वो प्रोवाइड कराती है काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉनों को, और वो टकराते हैं आयन से तो क्या करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, और वो आयन ही रेजिस्टेंस का काम करते हैं, रोकते हैं, मत बहो, मत जाओ पॉजिटिव के पास, मैं तुम्हें रोक लूंगा, दम लड़ते भी हैं, जीरो भी होती है एनर्जी, फिर मिलती है, फिर जाते हैं, आशिक है वो तो, पॉजिटिव प्लेट के दीवाने हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव प्लेट के दीवाने होते हैं, जहां पॉजिटिव प्लेट मिली दौड़ने लगते हैं, ठीक है, चाहे रास्ते में कितनी बार भी टकराना पड़े, 1000 टक्करों के बाद भी वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं सच्चा आशिक। एक हम लोग होते हैं, थोड़ा सा भी रास्ते में मुश्किल आई, अब हमसे नहीं होगा, है थोड़ा सा नंबर कम आ गया, अब कहां से हम पढ़ पाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल आई, थोड़ा सा लाइट कट गया, पंखा कट गया, अब कैसे पढ़ पाएंगे, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के आशिक बनो, अब लाइट कट गई तो क्या हुआ, फिर भी पढ़ेंगे, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, सिचुएशन है, पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेक्चर आ रहा है, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने का मन है तो जिस चीज की इच्छा है होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वरना ना ही हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैं क्या कर रहा था, बात उसी तरह चली गई, बैटरी प्रोवाइड्स क्या, बैटरी क्या क्या करती है, तो पहली बेसिक बात तो एनर्जी तो देती है, आल्सो दो चीज और है उसे भी देख लो, अभी एक चीज देखिए, क्या क्या बैटरी के लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, आता है कि नहीं आता, पोटेंशियल लगाने से क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी तो 50 वोल्ट की बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो हो जाता है, क्या ये कह सकते हो, बिल्कुल सही कह सकते हो सर, कि बैटरी आल्सो प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपका क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं कहेगा। पानी कब बहता है पता है आपको, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे प्रेशर वगैरह, तो जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा, एक बड़ा अच्छा आपको बताया था, ज्यादा पानी कम पानी पाइप में रख के दिखाया होगा, 9th क्लास पढ़े होंगे मेरा, तो क्या पानी लेवल अगर बराबर है सबका तो कहीं पानी जाने वाला नहीं, भले छोटा जाता वो अलग बात है, ठीक है। पानी का फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस से, ठीक है, और इसका जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो किससे होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बहेगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है कौन, बैटरी। एक चीज और प्रोवाइड करता है, उसे ज्यादा ना जानो फिर भी थोड़ा बहुत जानो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो एक तरह समझो तो ये पॉजिटिव प्लेट कर दिया और इधर क्या कर दिया, निगेटिव प्लेट, तो बीच में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉनों को इधर से निगेटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बैटरी एक चीज और प्रोवाइड करता है क्या, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप उतना ध्यान ना दो, बट एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस इस पे ध्यान दो,
तो बहुत है। अब इसके आगे जो आपका है इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ कॉमन यूज, ये अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।